अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। दिस इज़ मी खुशबख्त खान और मेरे चैनल का नाम है खुशबख्त खान। तो आप लोग देख सकते हैं मैं आई हुई हूँ आज बाहर। और कहाँ पर आई हुई हूँ, क्योंकि ईद में रह गए हैं 2 दिन और मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। मेरे फादर ने कुछ शॉपिंग करनी थी और मेरे छोटे भाई ने कुछ शॉपिंग करनी थी। तो हम आए हैं एम्पोरियम मॉल, दोपहर के टाइम आए हैं। हम सोच रहे थे कि रश नहीं होगा दोपहर टाइम में, तो हम जल्दी जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इतना ज़्यादा रश था, जब हम अंदर मॉल के अंदर गए हैं तो बहुत ज़्यादा रश था। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और क्या चीज़ें हम परचेज़ करने आए हैं, मेरे फादर ने क्या लेना है और मेरे छोटे भाई ने क्या शॉपिंग करनी है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और फाइनली रास्ता मिलने के बाद और रश कम होने के बाद हमें मिल गया है पार्किंग में जाने का मौका। तो अब हम जा रहे हैं पार्किंग में और यहाँ पर खड़ी करेंगे मेरे फादर गाड़ी और फिर हम अंदर करेंगे शॉपिंग। तो आप लोगों को दिखाऊंगी क्या चीज़ें नई आई हैं, और अगर आप लोगों को भी कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो आप लोग आ जाइएगा अगर लाहौर में रहते हैं तो। तो यहाँ पर हमें जल्दी जगह मिल गई थी और जल्दी हम लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्क कर लिया था। अब हम अंदर आ गए हैं और अभी अंदर जाने के बाद जो फर्स्ट हमें शॉप पे जाना था, तो वो शॉप है, आपको मैं अभी दिखाऊंगी। ये तो अभी हम जा रहे हैं और बहुत रौनक हुई हुई है एम्पोरियम मॉल के अंदर। और पहले हम आए हैं गुल अहमद। जब मैंने गुल अहमद में देखा, यहाँ पर सेल लगी हुई थी, 1999 रुपीज़ की शर्ट्स मिल रही थी। तो आप लोगों को दिखा रही हूँ, अगर आप लोगों ने परचेज़ करनी हो तो आकर फ़ौरन से परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी शर्ट्स हैं। गर्मियों के भी शर्ट्स थी और सर्दियों की भी शर्ट्स थी। ये गर्मियों की थी, ब्लैक वाली, आप लोग देख सकते हैं, बड़ी ही खूबसूरत इसकी स्टिचिंग हुई हुई थी। और यहाँ पर 1490 में भी शर्ट्स की सेल लगी हुई थी। ये वाली जो शर्ट थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इसका साइज़ लार्ज था और मैं मीडियम साइज़ पहनती हूँ, इस वजह से फिर ये मैंने परचेज़ नहीं की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज़ था साइज़, तो इस वजह से ये मैंने परचेज़ नहीं की। मैंने उनको बोला था अगर मीडियम साइज़ है तो मुझे दे दें, लेकिन नहीं था। और ये वाली बहुत शॉर्ट शर्ट थी, अगर जीन्स के साथ कोई पहनना चाहे तो पहन सकता है। इसकी भी प्राइस थी 1490 रुपीज़, और ये भी बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुई हुई थी। और सारी बात जो होती है वो स्टिचिंग की ही होती है, अगर कपड़े अच्छे स्टिच हुए हुए हैं तो फिर बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसके स्टिचिंग भी आप लोग देख सकते हैं, अगर इस तरह बनवाना चाहें तो भी बनवा सकते हैं। और ये वाली भी 1490 रुपीज़ में थी, तो इस पर सारी एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है, आप लोग देख सकते हैं ये सारी एम्ब्रॉयड्री है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी। और फिर हमने अपने भाई के लिए शॉपिंग करनी थी, छोटे भाई के लिए, उसके लिए शर्ट्स वगैरह ख़रीदनी थी। यहाँ पर हमें कोई शर्ट अच्छी नहीं लगी और छोटे भाई को भी नहीं पसंद आई। फिर हम दूसरी शॉप पे आए, यहाँ से फिर उसने शर्ट्स परचेज़ की और पैंट परचेज़ की। फिर आगे हम आए हैं एथनिक पर, और एथनिक में आप लोगों को मैं ड्रेसेस दिखाती हूँ। अगर आप लोग इस तरह के स्टिच करवाना चाहें तो आराम से करवा सकते हैं। और इसकी प्राइस देखें, 24,990 रुपीज़ इसकी प्राइस थी, यानी कि 25,000 रुपये में आप लोगों को ये फ़्रॉक मिलेगी। प्राइस आप लोग देख सकते हैं, 19,990 रुपये इसकी प्राइस थी इस फ्रॉक की। और तकरीबन यहाँ पर जितने भी फ्रॉक्स लगी थी वो 20 से अबव थी या 20 के लगभग थी। तो इसकी आप लोग देख सकते हैं, मुझे इतने अच्छे कपड़े नहीं लगे थे, ये कलर भी बहुत ज़्यादा लाइट था, मतलब इस तरह लग रहा था कि सूट तो नया है, अगर आप परचेज़ करोगे तो ऐसा लगा कि जैसे पुराना पहना हुआ है। तो आप लोगों को अगर ये शॉकिंग पिंक मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये ईद के हिसाब से नहीं था। और ये जूती मुझे अच्छी लगी थी, ये पैरेट ग्रीन कलर की, लेकिन इसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। यहाँ पर मेरे फादर अपने लिए जूती ले रहे थे, तो जूती सिलेक्ट कर रहे हैं वो, और कह रहे थे कि मैं कौन सी वाली परचेज़ करूँ, मुझे जो कलर पसंद आया था वो अभी आगे आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कौन सा जूता परचेज़ किया था।
ये ब्लैक में था, ये ब्राउन में था। मेरे फादर को ये जूता अच्छा लगा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल जूता था, और क्योंकि उनको डायबिटीज़ है इस वजह से उनको कंफर्टेबल जूते ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ये ग्रे वाला बहुत ही पसंद आया था। फिर हम लोगों ने कह दिया था कि ये पैक करवा लेते हैं क्योंकि ये मेरे फादर को भी बहुत ही अच्छा लगा था। तो लास्ट में हम लोगों ने ये वाला जूता परचेज़ किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ढेर सारा सपोर्ट करना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेरों ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।